मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में एक और खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ईडी के एक अधिकारी के घर चोरी हुई है, रकम भी अच्छी खासी है, लेकिन चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखा पा रहे हैं। कितने की चोरी हुई है यह भी अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं। सीएम बघेल ने भाजपा के शीर्ष नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि वह कैडर आधारित पार्टी है, वे कैडर का सिर्फ दुरुपयोग करते हैं। अगर उन्होंने अपने कैडर की बात सुनी होती तो 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद उन्हें 15 सीटें नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कार्डर बेस पार्टी है और कार्डर का केवल दुरुपयोग करते हैं, उनको केवल ये वोट दिलाने के लिए काम करो, उनकी राय शुमारी का कोई मतलब नहीं है। यदि अपने कार्डर की बात सुन लेते तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में नहीं आते। लेकिन वही चेहरा रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, मूणत, अमर अग्रवाल, यही चलो रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कार्डर के यदि सुनते तो पहले तो सोचे थे परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन माथुर साहब की भी नहीं चली, भीड़ आना बंद हो गया और इस कारण से दबाव में सारे फैसले ये लोग लिए। यहाँ मतलब आज शाम को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसमें अधिकांश नामों पर विचार होगी और मैं समझता हूँ कि प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के रुकना चाहिए। और दूसरी एक खबर ये मिली है, एक खबर ज़बरदस्त है, ईडी के अधिकारी के यहाँ चोरी हुई है और राशि बताते हैं अच्छा खासा है, लेकिन अब बता नहीं पा रहे हैं कितना है। चोरी हुई लिखा नहीं पा रहे हैं कि कितना हुआ, लेकिन अच्छी खासी रकम उसको तो रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी ना कितना चोरी हुआ है, तो वो बता नहीं रहा कितना हुआ। अच्छा मुझे पता नहीं है, मैं तभी जा रहा हूँ। सर आप लोगों ने वो ईडी अधिकारी पता करो है कि किसके यहाँ चोरी और कितनी चोरी हुई। सर, 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 सर,